उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। दोस्तों, उत्तराखंड में पलायन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक ज्वलंतशील मुद्दा धीरे धीरे बन रहा है। परंतु जब भी हम बात करते हैं कि शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमों के साथ साथ हमें सामाजिक चिंतन के रूप में इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के जो कार्यक्रम पहाड़ में आयोजित होते हैं, तो उनके माध्यम से किस प्रकार हम एक चिंतनशील दृष्टिकोण रखते हुए पलायन वापसी को लेकर काम कर सकते हैं, आज एक इसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा के हरवाल गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर आदरणीय बेंद्र रावत जी हैं, तो उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, गांव वापसी कार्यक्रम। आप देख सकते हैं गांव वापसी संवाद उत्तराखंड। और इस कार्यक्रम में आदरणीय बीरेंद्र रावत जी ने उत्तराखंड के उन तमाम शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से अपनी विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को आमंत्रित किया है, जो अपने विचार, अपना पक्ष मजबूती से यहां पर रख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक ऐसा संवाद उत्पन्न हो रहा है कि एक ऐसी उम्मीद जगी हुई है कि लोग एक न एक दिन जरूर वापस आएंगे। हमारे साथ में कुछ उद्योगपति और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं संसाधनों की उपलब्धता को लेकर उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर अभी हैं कोठारी जी हैं और कोठारी पर्वतीय विकास समिति के भी आप संचालित करते हैं थलीसैंण पौड़ी में। और कोठारी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में कुछ नहीं, हमारे गांव में कंडाली तो बहुत खराब होंगी। आदरणीय कोठारी जी ने कंडाली को किस प्रकार उत्तराखंड में फेमस कर दिया है, उत्तराखंड का एक पॉपुलर आपने बनाया है उसको, और अब तो हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने भी एक बार कंडाली की जैकेट पहनी थी, नेटल जैकेट, और नेटल टी पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इसकी पूरी रूपरेखा क्या है, नेटल के बारे में थोड़ा अपना पक्ष रखेंगे कोठारी जी। नमस्कार, मेरा नाम सुनील दत्त कोठारी है। जो मेरी संस्था है वो कोठारी पर्वतीय विकास समिति है, जो कि चैलुसैन ब्लॉक वाइखल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कि उत्तराखंड पलायन मुक्त और रोजगार युक्त हो। देखिए, हम इस मुहिम के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें स्थानीय वनस्पति यानी कृषि और कृषि को लेकर बहुत सारे उत्पादन तैयार करते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से नेटल, यहाँ पे स्थानीय बिच्छू बूटी जिसको हम कंडाली बोलते हैं, उसके द्वारा हम बहुत सारे उत्पादन तैयार करते हैं। उसमें आपका हर्बल चाय भी है और उसके साथ साथ फर्मेंटेड और डीफर्मेंटेड प्रोडक्ट भी हैं। इसके साथ साथ हम इसके रेशे पर भी परंपरागत वे में काम करते हैं। देखिए, जो हमारा जो वंश परंपरागत जो आधार है, जो हमारे दादा परदादा थे, उन फॉर्मूलों का आधार लेके हमने इसका ब्लेंडिंग बेस में कन्वर्ट किया है। लोग सोचते हैं कि हम हर्बल टी बनाए तो खाली पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ नहीं हैं। बेसिकली कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं पे काम होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं उत्तराखंड के इस ग्रामीण भूमि में बैठकर कार्य कर रहा हूँ, यानी कि नेटल की टी बनाता हूँ। अब यही काम यूके या यूएसए में काम कर रहे हैं तो उनका फॉर्मुलेशन अलग है। इन सेंसों की उनका कुछ फॉर्मुलेशन नहीं, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी समिति होती है, वो एक उत्तराखंड की ग्रामीण भूमि पर होती है, जिसका मूल रूप से व्यापार करना तो कार्य नहीं होता है, अपितु एक मॉडल डेवलप करना होता है। हम लोग वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि जो लोग इस पर स्टार्टअप करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक अवेलेबिलिटी प्रोजेक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं। हम अपने आप को संसाधनों को परिपक्व होने के लिए ब्रांड भी रूप प्रमोट करते हैं। भी हम बात करते हैं कि पलायन है, तो अधिकतर जो पलायन करने वाले लोग होते हैं, उनका यही कहना होता है कि उत्तराखंड में रोजगार की संभावनाएं नहीं है, हम उन संसाधनों का दोहन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आप कंडाली पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या दृष्टिकोण है इसको लेकर कि हम किस प्रकार लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का सकारात्मक रूप से दोहन करें? देखिए, पलायन की प्रवृत्ति जो है ना, वो 1960 के बाद हमारे समाज में प्रवृत्ति थी। 1960 के बाद पलायन की अवधारणा बनती। देखिए, पलायन का साफ दर्द करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ये कोई गलत भी नहीं है। परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि हम लोग जो ग्रामीण भूमिका में रह रहे हैं, वो हम कोई भी मॉडल नहीं बना रहे, कोई भी कंसेप्ट नहीं बना रहे। हम अपने लोगों को मॉडल डेवलप करें, जो हमारे इंटेलेक्चुअल वे में जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग वापस आएँ और हम और लोगों के लिए रोल मॉडल डेवलप करें। देखिए, पलायन होना कोई बड़ी बात नहीं है। पलायन के लिए दिल्ली, बॉम्बे या बहुत से सिटीज़ में पलायन होता है, परंतु रिवर्स प्लान नहीं हो पा रहा है, हमारे पर रिवर्स नहीं आ रहे हैं। रिवर्स प्लान की संभावनाओं कहाँ तक देख पाते हैं आप? देखिए, रिवर्स प्लान का मतलब है कि जो लोग, हम लोग गांव की देहात की भूमि बचे हुए हैं, हम लोग एक रोल मॉडल तैयार करें। अब हर आदमी हर काम तो कर नहीं पाएगा, तो हम लोग जो बचे हुए लोग हैं, हमारा काम है छोटी छोटी चीज़ों को उत्पादन में कन्वर्ट करें, गुणवत्ता के साथ, प्रमाणिकता के साथ। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम और आयोजित किए जा रहे हैं पहाड़ों में, गांवों में, तो इस प्रकार की इन कार्यक्रमों की संभावनाओं को देखते हुए जो लोग पलायन कर चुके हैं, वो एक न एक दिन पहाड़ की ओर रुख करेंगे? देखो, तोड़ते हैं ना, हर चोट मायने रखती है, पर पत्थर लास्ट वाली चोट में टूटता है। इस भाव को आप समझिए कि हर व्यक्ति उत्तराखंड का कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा है, परंतु उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक रात का काम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट होगी, लोकल अथॉरिटी, इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट,
परंतु रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे से बहुत सारी कविता को लेकर शासन प्रशासन से किस प्रकार की अपेक्षित सहयोग की आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, संसाधन तो हमारे उत्तराखंड में प्रचुर हैं, परंतु उन संसाधनों को डेवलप तो करना पड़ेगा। डेवलप मीन्स किसी फॉर्मूले में ले जाना पड़ेगा, कोई डिमांडिंग थिंग्स बनाने पड़ेगी, तभी तो हमें उसका मूल्य अवर्धन होगा, प्राइसिंग बढ़ेगी। तो संसाधन सब हैं, अब हमारे यहाँ पे बांस है, बांस के द्वारा क्राफ्ट बनाओ उसका पैसा मिलेगा, बांस का नहीं मिलेगा। बांस का मिलेगा पर उसका मूल्य बहुत कम होगा। तो मैं ये बोलना जयप्रहण पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।